सेक्शन 25 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डील कर रहा है एग्रीमेंट, ये हेडिंग है यहां तक, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड। हमें पता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, हम सेक्शन 10 में पढ़ते होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन क्या होती है, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो मतलब वो जो एग्रीमेंट ही है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। सेक्शन 10 में हम पढ़ते हैं कि कंसीडरेशन इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो देखो 25 सेक्शन 10 मैंने यहां पे लिख के रख लिया क्योंकि हम सेक्शन 10 में पढ़ते होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स कंसीडरेशन इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। और अगर कंसीडरेशन हमारे पास नहीं, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट होगा, आपको पता लग गया कंसीडरेशन, और अगर कंसीडरेशन किसी एग्रीमेंट में नहीं होगा तो उसका क्या होगा, वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। वो कहां लिखा है, 25 में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। मैंने यहीं पे उसको सर्कल कर लिया कि बिना कंसीडरेशन का जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा। सेक्शन 10 कहता है कंसीडरेशन बहुत जरूरी है, सेक्शन 25 कहता है कंसीडरेशन के बिना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं, मैंने सेक्शन 10 भी यहां पे लिख के रख लिया। फिर देखिए एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड हमें क्लियर हो गया। अब कंसीडरेशन क्या होता है ये चीज भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो कंसीडरेशन की डेफिनेशन हमारे पास कहां पे दिया हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2D में दिया हुआ है। अब जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो हमें ये भी रिवाइज हो जाएगा कि कंसीडरेशन की जो डेफिनेशन है 2D में दिया हुआ है। तो रेफरेंस के लिए मैंने उस चीज को भी यहां पे लिख के रख लिया। अब आगे देखिए, अनलेस वो कह रहा है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड, बिना कंसीडरेशन के एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। अनलेस का यहां पे क्या मीनिंग निकल रहा है, अनलेस जो है यहां पे आपको एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। वो कह रहा है जनरली क्या होता है, बिना कंसीडरेशन के, विदाउट कंसीडरेशन के एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है। अनलेस मतलब एक्सेप्शंस, यानी कि जो आगे एक्सेप्शंस आपके पास दे रहा है वो, उन सिचुएशंस में अगर आपके पास कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो आपका एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। ठीक है, तो अनलेस का मतलब है यहां पे एक्सेप्शंस। कितनी एक्सेप्शंस की बात कर रहा है, पहली एक्सेप्शन देखो यहां से शुरू हो रही है हमारे पास, अनलेस इट इज इन राइटिंग। देखो आपको मैंने बताया था कि कॉनोटेशन को हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है, इट इज इन राइटिंग एंड, यहां पे कॉनोटेशन क्या आ रही है, एंड इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। पहली एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। अब एंड का मतलब क्या है, यहां पे कॉनोटेशन एंड हो रही है, इट मीन्स कि वो राइटिंग में भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। कहां पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, आगे बता रहा है आपको, और नहीं नेक्स्ट अभी वो देखिए जो ये, अब इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको सिर्फ इतना बता दिया मैंने कि पहली एक्सेप्शन क्या कह रही है कि वो राइटिंग में होना चाहिए प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। अब इन्हीं चीजों को वो आगे वैसे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ डिटेल में, तो वहां पे डिटेल में हम पढ़ते हैं, पर अभी के लिए बस इतना पढ़िए आपकी पहली एक्सेप्शन की बात कर रहा है, इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। सेकंड एक्सेप्शन की बात कर रहा है हमारे पास, सेकंड में क्या कह रहा है, देखो और आ गया ना, मैंने आपको और कॉनोटेशन का बताया था, और का मतलब है पहली एक्सेप्शन अनलेस के बाद ये शुरू हो रही है, और यानी कि सेकंड एक्सेप्शन स्टार्ट हो गई, इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग डन। वो कह रहा है सेकंड एक्सेप्शन का मतलब है यहां पे इज अ प्रॉमिस, कि वो एक प्रॉमिस कर रहा है, किस चीज का प्रॉमिस कर रहा है, टू कॉम्पनसेट, किसी को कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस कर रहा है, किस चीज के लिए, फॉर समथिंग डन, कोई चीज जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं किसी के लिए, और प्रोमिसर वहां पे हमें प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग डन, जो ऑलरेडी हम किसी के लिए कर चुके हैं उसमें अगर कोई हमारे लिए प्रॉमिस कर रहा है तो वो सेकंड एक्सेप्शन में आ जाएगा। डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, वो डिटेल में दिया हुआ है, और फिर से और यूज हो रहा है, यानी कि और का मतलब है नेक्स्ट एक्सेप्शन, इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन। यहां पे देखो कह रहा है डेट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ, तो प्रॉमिस कर रहा है, अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है किस चीज के लिए, पे करने के लिए, क्या चीज पे करने के लिए, उसका डेट जो कि लिमिटेशन लॉ से बार हो चुका है उसको पे करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, तो हमने वो उस सिचुएशन में क्या आएगा, वो भी एक एक्सेप्शन हो जाएगा, वहां पे कंसीडरेशन नहीं देखेंगे। अगर कोई किसी से मैंने पैसा लेना था बट अब उसको मैं एनफोर्स नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि लिमिटेशन से बाहर हो गया। सपोज रिकवरी सूट होते हैं हमारे पास, किसी से पैसा लेना है, रिकवरी सूट है,
3 साल की लिमिटेशन जनरली उसमें होती है। आज 6 साल हो चुके हैं मैंने सूट नहीं फाइल किया, तो अगर अब मैं कोर्ट में जाता तो कोर्ट कहेगा कि यू आर बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ, 3 साल के अंदर आपको मुकदमा दायर करना था, उसके ऊपर केस फाइल करना था, और अब कितने हो गए, 6 हो गए हैं, तो लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, अब आप पैसा नहीं ले सकते। बट उस सिचुएशन में सामने वाला क्या करता है, मेरे साथ एक प्रॉमिस करता है कि जो वो मैंने आपका पैसा देना था मैं अब दे दूंगा, इवन इफ इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, 6 साल के बाद कहता है मैं दे दूंगा। तो वो जो इसने प्रॉमिस किया, तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि पुराना तो खत्म हो गया था, अब वाले में कंसिडरेशन कहाँ पे है, वो एक्सेप्शन में आ गया हमारे पास। अब इन तीनों को जो देखो, मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया, सिर्फ आपको समझाया है हेडिंग क्या है, डिटेल में 1, 2, 3 ऐसे पॉइंट्स उसने जो सेक्शन 25 में डिस्कस किए हैं, वो इन्हीं 3 exceptions को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप एक बार देखिए 25 सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कह रहा है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है, कंसिडरेशन एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, अनलेस, यानी कि एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, कितनी एक्सेप्शन हो गई हमारे पास, 3 exceptions, फर्स्ट इट इज इन राइटिंग एंड इट इज इन राइटिंग प्लस रजिस्टर्ड, दोनों चीजें होनी चाहिए, और सेकेंड एक्सेप्शन हो गई प्रॉमिस टू कंपनसेट, कुछ ऑलरेडी किया हुआ उसके लिए प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, और टाइम बार डेट है उसको पे करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, तो वो भी तीसरा एक्सेप्शन में आ जाएगा। अब देखिए ये जो चीजें हैं वो आगे एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले के ऊपर आते हैं, उसके बाद देखिए एंड, अब यहां से वो सेक्शन स्टार्ट कर रहा है, अभी यहां तक तो हेडिंग था ना जो बोल्ड हो रखा है, इसके बाद सेक्शन स्टार्ट कर रहा है एंड एग्रीमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस होता है वो, हालांकि अभी टॉपिक नहीं है तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यही तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कंसिडरेशन के बिना अगर एग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड होगा, अनलेस, अब देखिए यहां पे भी ऐसे ही कह रहा था अनलेस, बट यहां पे वो हेडिंग की फॉर्म में उसने 3 exceptions आपको बताई, अब यहां पे डिटेल में डिस्कस कर रहा है, तो डिटेल में आइए इसको डिस्कस करते हैं आपके साथ। पहला हमें पता है, पहला हमने पढ़ा था राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, तो मैंने देखो यहां पे इसको हाईलाइट करके अलग से लिख लिया राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, ठीक है, अलग से मैंने वहां पे लिख दिया राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, उससे क्या होगा मुझे पता चल गया जो पहली वाली एक्सेप्शन है उसको मैं हेडिंग दे सकता हूं एग्जाम में अगर लिखना हो राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट एक्सेप्शन में, इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, राइटिंग ओरल अगर किसी से कोई कमिटमेंट कर रहा है ना वो नहीं आएगा इसमें, अगर कोई एक्सप्रेशन हम राइटिंग में दे रहे हैं प्लस उसको रजिस्टर्ड भी करवा रहे हैं, कहां पे रजिस्टर करवा रहे हैं, अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो उस समय रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए लॉ है, लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स है किस चीज के लिए, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारे पास आता है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में और 18 में प्रोविजंस दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का। तो वो कह रहा है उस एक तो वो राइटिंग में होना चाहिए जो वो प्रॉमिस कर रहा है, दूसरा उसको रजिस्टर करवा लो, दोनों चीजें, एंड का मतलब है प्लस, ये भी और ये भी, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो आप देखो राइटिंग और उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, एंड का मतलब है दोनों होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसको, एंड अब फिर से एंड आ रहा है, यानी कि पहली कंडीशन तो होनी, कंडीशन होनी चाहिए राइटिंग प्लस रजिस्टर्ड, फिर से एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि फर्स्ट एक तो ये होना चाहिए, दूसरा ये भी होना चाहिए क्योंकि एंड यूज कर रहा है, फिर से एंड आ गया, यानी कि तीसरा ये भी चीज हमारा हमारे पास होनी चाहिए, एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ, देखो इज मेड वो बना हो किस अकाउंट पे, ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कह रहा है कि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण से बना हो, किसके बीच में, बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। तो पहले हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है, एक फादर और सन के बीच में रिलेशन है, दोनों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन हुआ, बट अगर फादर और सन झगड़ जाते हैं, सपोज आपस में झगड़ लिए, एक दूसरे से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी है, अलग रह रहे हैं, तो वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं होगा। किसी भी किसी के साथ लव एंड अफेक्शन होना, लाइक एक हस्बैंड एंड वाइफ है, जब तक वो साथ रह रहे हैं तो लॉ प्रिज्यूम करेगा उनके बीच में लव एंड अफेक्शन है, बट अगर वो झगड़ रहे हैं आपस में, कोर्ट में चले गए, डिवोर्स फाइल कर दिया, मेंटेनेंस फाइल कर दिया, तो वहां तो लव एंड अफेक्शन नहीं है ना, वो तो झगड़ रहे हैं, तो ये वाला ये मिसिंग हो जाएगा वहां से। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए,
बिटवीन किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन, वहां पे वो नियर रिलेशन की बात कर रहा है टू ईच अदर। वो कह रहा है नियर रिलेशन मतलब फादर और सन, देखो वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो नियर रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ एग्जांपल दिया नियर रिलेशन है, आपका रिलेशन नियर होना चाहिए उसके साथ। सपोज अब आप बोलोगे यार दो फ्रेंड्स में भी तो लव एंड अफेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, नहीं होगा। रीजन नियर रिलेशन, रिलेशन नियर नहीं है, आपका रिलेशनशिप नहीं है उनके साथ, वो तो फ्रेंड है आपका, रिलेटिव नहीं है एक तरह से आप कह लीजिए, मतलब जिसके साथ भी आपका वो लव एंड अफेक्शन की बात कर रहा है वो नियर रिलेशन में होना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे ना एक केस लिख के रख लिया, राज लुखी डब्बी वर्सेस भूतनाथ, राज लुखी डब्बी वर्सेस भूतनाथ। इस केस में क्या होता है मैं आपको केस बताता हूं थोड़ा सा, हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको मेंटेनेंस दूंगा और सेपरेट रेजिडेंस दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा और मेंटेनेंस भी दूंगा। झगड़ा हो रहा है आपस में, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तेरे को मेंटेनेंस दूंगा और घर भी दूंगा, और वो राइटिंग में करते हैं उस एग्रीमेंट को, उसको रजिस्टर भी करवा लेते हैं। बाद में हस्बैंड मुकर जाता है कि मैं नहीं दूंगा पैसे, मैं नहीं मेंटेनेंस का तुझे कुछ भी पैसा दे रहा, मैं नहीं तुझे घर दे रहा, तो वाइफ उसके अगेंस्ट केस कर देती है, वाइफ केस कर देती है, कोर्ट में जाते हैं, वाइफ कहती है देखिए मैंने इसके साथ, पहले हस्बैंड कहता है यहां पे तो कंसीडरेशन ही नहीं था, एग्रीमेंट तो मैंने इसको प्रॉमिस तो कर दिया, कंसीडरेशन कहां था, और बिना कंसीडरेशन के सेक्शन 25 कहता है कि वो वॉइड होगा। हस्बैंड ने ये प्ली लिया, वाइफ कहती है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बट सेक्शन 25 में एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं, मैं पहले वाली एक्सेप्शन में कवर हो गई हूं। वो कह रही है कैसे कवर हो रही हूं, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट दोनों ने किया था वो राइटिंग में किया था, प्लस उसको रजिस्टर भी करवा लिया उन्होंने, हस्बैंड एंड वाइफ है तो वो नियर रिलेशन में भी है। बट कोर्ट कहता है जहां आप जो फर्स्ट एक्सेप्शन पढ़ रहे हो देखो वहां पे एंड यूज हो रहा है बार बार, वहां पे एंड यूज हो रहा है, यहां पर मैंने आपको बताया राइटिंग होना चाहिए प्लस, एंड का मतलब है प्लस, रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर आगे क्या आया एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। भाई वो तो झगड़ रहे हैं वहां पे, आपस में झगड़ा हो रखा है, और वो उसको झगड़े से बचने के लिए उसको कह रहा है कि मैं तेरे को मेंटेनेंस और रेजिडेंस दूंगा, मेरी जान छोड़ दे। तो क्या उनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन था? नहीं था। बट यहां पे कॉन्नोटेशन क्या एंड यूज हुआ हुआ है, अगर तो और यूज हुआ होता फिर तो चलो चारों में से कोई एक चीज हो जाए तो चल जाता, बट यहां पे एंड यूज होने के कारण से जो पहली एक्सेप्शन है आप याद रख लीजिए, कोई अगर किसी को प्रॉमिस कर रहा है वो राइटिंग में होना चाहिए प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, और बिटवीन द पार्टीज इन द नियर रिलेशन होना चाहिए, चारों की चारों जो कंडीशंस है एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक भी कंडीशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो पहले एक्सेप्शन में नहीं आएगा, वो वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट। तो कोर्ट ने कहा इस राजलुकी डब्बी वर्सेस भूतनाथ के केस में कि बाकी की तीन कंडीशंस तो ठीक है बट नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज यहां पे नहीं है, क्योंकि पार्टीज तो ऑलरेडी इन डिस्प्यूट है। क्लियर हो गया आपको पहले एक्सेप्शन? देखो मैंने एक एक वर्ड को सर्कल कर लिया जहां पे मुझे करना था, जो केस लिखना है मैंने केस लिख के रख लिया वहां पे, ठीक है, हाईलाइटर अगर आपके पास इसको हाईलाइट कर देना यहां पे, तो इस तरह से बेरेक्ट को आपको रीड करना है। सेकंड एक्सेप्शन पे आ जाते हैं, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा अब तक कि किस तरह से बेरेक्ट को रीड करना है, बट फिर भी मैं आपको इसलिए इसको कि सेक्शन 25 उठाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो पूरा तो खत्म करेंगे इसको। सेकंड एक्सेप्शन पे हम आते हैं, देखो सेकंड एक्सेप्शन यहां पे भी हमने ऊपर पढ़ लिया था सेकंड वाला, अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, तो यहां पे मैंने लिख के रख लिया कंपनसेट फॉर पास्ट सर्विसेज, पास्ट में मैंने कोई सर्विसेज दी है, मैंने हेडिंग लिख के रख लिया उसका कंपनसेशन। मैं पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूं फिर इसके बीच में आते हैं। सपोज एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूब रहा है, तैरने नहीं आता, पैर फिसल गया और वो डूब रहा है, उसका फादर वहां पे खड़ा है, फादर को भी तैरना नहीं आता, फादर चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को बचाओ। एक वहां से कोई बंदा जा रहा होता है, उसको स्विमिंग आती है, वो छलांग लगाता है स्विमिंग पूल में और उस बच्चे को निकाल के बाहर ले आता है, बचा दिया, ठीक है, फादर खुश हो जाता है। देखो पहले जब फादर ने कहा था बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को बचाओ, उस समय कोई प्रॉमिस नहीं किया था वहां पे। अब
पहले यहाँ पे उसने सर्विसेज दे दी, यानी कि जिस बंदे ने छलांग लगाई स्विमिंग पूल में उसने बच्चे को बचा लिया। अब फादर खुश होकर उसको कहता है, आपने मेरे बच्चे को बचाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने मेरी हेल्प की, आपने सर्विसेज रेंडर की, मैं आपको खुश होकर 50,000 रुपए का गिफ्ट दूंगा। अभी तो आई एम नॉट कैरिंग 50,000 रुपीज, आप मेरे घर पे आना कल, ये मेरा एड्रेस है, मेरे से 50,000 ले जाना। तो अगले दिन वो घर पे जाता है कि आपने प्रॉमिस किया था 50,000 देने के लिए, दीजिए। वो कहता है वो तो मैंने उस समय इमोशनल होके कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई इसलिए मैं प्रॉमिस कर बैठा, एक्चुअल में तो मैं ऐसा कुछ नहीं दूंगा। कोर्ट में चले जाता है तो कोर्ट उसको इस एक्सेप्शन में कवर करेगा, रीजन पास्ट में उसने सर्विसेज दी, बच्चे की जान बचाई। कोर्ट कहता है जो उसने बच्चे की जान बचाई वो सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा यहां पे, वो सेकंड एक्सेप्शन में कवर हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आपने उस समय उसको प्रॉमिस कर दिया उसकी पास्ट में दी गई सर्विसेज, पहले उसने सर्विसेज दी बच्चे की जान बचाई, उसकी पहले दी गई सर्विसेज के लिए आपने उसको प्रॉमिस कर दिया, एंड दैट विल बी कवर्ड बाय एक्सेप्शन सेकंड। अब इसको पढ़ते हैं, एक्सेप्शन को देखो, इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट, आपको समझ आ रहा है, इट इज अ प्रॉमिस, पहले उसने प्रॉमिस किया किसी को टू कंपनसेट, कंपनसेट करने के लिए किस चीज को, होली और इन पार्ट, जो उसने सर्विसेज दी है उस पूरी की पूरी सर्विसेज को या फिर इन पार्ट को कंपनसेट करने के लिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार प्रीलिम्स में, वो पूछ लेगा आपसे कि सेकंड एक्सेप्शन में किस चीज की बात कर रहा है, होली की बात कर रहा है और पार्ट की बात कर रहा है, बोथ की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। होली और इन पार्ट, अ पर्सन, इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन who has already voluntarily done something for promisor। देखो वहां पे उसने जब स्विमिंग पूल में छलांग लगाई तो वहां पे वो बाउंड नहीं था छलांग लगाने के लिए, उसने अपनी मर्जी से वो छलांग लगाई उस बच्चे को बचाने के लिए। सपोज वहां पे फादर था भी नहीं, फादर ने नहीं बोला बचाओ बचाओ या कुछ भी, वहां पे फादर था ही नहीं और उसने देखा बच्चा डूब रहा है, उसने बच्चे को बचाया, तभी फादर आता है भागा भागा और कहता है कि आपने मेरे बच्चे को बचाया, आपको 50,000 पे करूंगा। तो वहां पे जो उसने जान बचाई है, जिस पर्सन ने जान बचाई है, ही हैज ऑलरेडी वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से डन, ही हैज ऑलरेडी वॉलेंटरीली डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर, तो उसने ऑलरेडी वॉलेंटरीली प्रोमिसर के लिए कुछ कर दिया है, और something which the promisor was legally compellable to do, या कुछ ऐसा किया जो promisor को करना चाहिए था, he was legally compellable to do that thing, और उसने voluntarily अपनी मर्जी से उसके लिए कर दिया। तो या तो वो उसको legally compellable है करने के लिए, या फिर उसने voluntarily कोई act कर दिया उसके लिए जो promise कर रहा है, वो second exception में cover हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ये चीज लिख के रखी है, मतलब मैं कोई जजमेंट पढ़ रहा हूँ या कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने आता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड होते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड नेकेड प्रॉमिस और नडम पैक्टम। जो विदाउट कंसीडरेशन एग्रीमेंट वॉइड होता है ये हमें पता है, इसको हम और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, नेकेड प्रॉमिस और नडम पैक्टम। मैंने कहां पढ़ा ये, किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया होगा, किसी जजमेंट में पढ़ लिया होगा, तो मैंने यहां पे लिख के रख दिया ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब बेरक को रिवाइज करूं तो मेरे सामने ही आ जाए। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट इज नडम पैक्टम, क्या करोगे, यहां पे लिखा होगा तो याद आ जाएगा, क्योंकि बेरक तो मैं बहुत बार रिवाइज करूंगा, 20 बार पढ़ लूंगा इसको, तो 20 बार जब मेरी आंखों के नीचे से ये चीज निकलेगी तो मुझे याद हो जाएगी। तो इट इज कॉल्ड नडम पैक्टम और नेकेड प्रॉमिस, क्लियर। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है व्हाट इज नडम पैक्टम, कुछ और नहीं लिखना, सेक्शन 25 ही हमने पूरा का पूरा लिखना है कि कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, नहीं होता तो क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, पर इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है वो लिख दी हमने, पूरा यही लिखना है 25 अगर वो पूछता है नडम पैक्टम क्या होता है। फिर देखो मैंने लिख दिया सेक्शन 25 इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम एक्स नूडो पैक्टो एक्ट यू नॉन ऑरिटर, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये मैक्सिम दे देगा, बताओ क्या मतलब है, नहीं भी देते हैं आपसे सेक्शन 25 पूछ रहा है तब भी लिखो, इसको मार्क्स मिलेंगे ज्यादा, सेक्शन 25 आपसे पूछ रहा है तब भी आप इसको लिखो, मार्क्स मिलेंगे आपको ज्यादा, क्योंकि मैक्सिम लिखना बहुत अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका वो लिख दो,
केसेस भी आप लिख रहे हो। अब यहां पे लिख के रखने का मतलब क्या हुआ, यहां मैंने अगर मैगजीन को लिख के रख लिया, इट मींस कि मैं जितनी बारी बेयर एक्ट रिवाइज करूंगा, मैं 20 बारी रिवाइज कर रहा हूं, 20 बारी मेरे आंखों के नीचे से निकले हैं, मुझे याद हो जाएगा। तरीका यही है, पेन से देखो इस तरह से बेयर एक्ट बना देना अपना, रंगीन कर देना उसको पूरा, और लिखना पड़ेगा आपको एक एक चीज, और जितनी बारी रिवाइज करोगे आपका बेनिफिट होगा, लिखा हुआ आपको याद हो जाएगा। तो ये वाला मैंने आपको देखो पूरा समझा दिया इस पेज के ऊपर जो भी कवर हो रहे हैं। दो एक्सेप्शन हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तीसरी के ऊपर आते हैं। देखो थर्ड एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पे, थर्ड हेडिंग में भी हमने पढ़ा था, मैंने यहाँ पे वो हेडिंग लिख के रख लिया, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है टाइम बार डेट पे करने का, तो वो तीसरी एक्सेप्शन में आ जाएगा। टाइम बार डेट मैंने आपको पहले बताया, रिकवरी करनी है पैसे की, 3 साल की लिमिटेशन होती है, 6 साल हो गए मैंने पैसे के लिए सूट नहीं डाला, अब 6 साल बाद कोर्ट क्या कहेगा, भाई यू आर बार्ड बाय लिमिटेशन, अब आप नहीं ले सकते हो। बट अगर वो सामने वाला जिससे मैंने पैसा लेना था, क्रेडिटर मेरा, वो कहता है अब मेरे साथ एक नया प्रॉमिस कर रहा है कि यार मेरे से गलती हो गई, जो मैंने पैसा तेरा देना था, मैं आई एम रेडी टू पे, उसने प्रॉमिस कर दिया, तो वो थर्ड एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। देखो मैंने यहां पे लिखा है रीड विद सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी में वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड वाला प्रोविजन। आपको प्रीलिम्स में ना लिमिटेशन में जनरल बहुत बड़ी क्वेश्चन, आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखना, बहुत क्वेश्चन आता है एक्नॉलेजमेंट, सेक्शन 18 जो है एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहा है, लिमिटेशन की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, लिमिटेशन एक्ट की, वहां पे लिखता है एक्नॉलेजमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ऑफ नो यूज। एक्नॉलेजमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ऑफ नो यूज, यानी कि लिमिटेशन पीरियड जब खत्म हो जाता है उसके बाद अगर कोई एक्नॉलेज कर रहा है कि मैंने तेरा पैसा देना है, देखो आप सेक्शन 18 और इस थर्ड एक्सेप्शन में एक्नॉलेजमेंट और प्रॉमिस में डिफरेंस समझ लेना। सेक्शन 18 बात करता है एक्नॉलेजमेंट की, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है मैंने आपका पैसा देना है, ये नहीं कह रहा दे दूंगा, मैंने आपका पैसा देना है, मैं आपका पैसा अब नहीं दूंगा, दैट इज ऑल्सो एक्नॉलेजमेंट, मानना कि देना तो था ना, अब नहीं दूंगा अलग चीज है, पर यहां से आप इनडायरेक्टली क्या एडमिट कर रहे हो कि मैंने देना था, उसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, लाइबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है। तो सेक्शन 18 वहां पे कहता है कि अगर विद इन लिमिटेशन पीरियड आप लाइबिलिटी को एक्नॉलेज कर लेते हो ना, तो लिमिटेशन पीरियड वहां से एक्सटेंड हो जाता है। बट 3 साल का लिमिटेशन है, आप 4th साल में जाके एक्नॉलेज करते हो, दैट एक्नॉलेजमेंट विल बी ऑफ नो यूज, नो यूज, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा कि वो तो थर्ड वाली एक्सेप्शन में कवर हो रहा है। देखो थर्ड एक्सेप्शन एक्नॉलेजमेंट नहीं है, पहली बात तो वहां पे आपको कह देगा हाँ इट इज ऑफ यूज, आप भी लिखोगे 25 सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थर्ड एक्सेप्शन में आ रहा है, नहीं ये अलग चीज है। थर्ड एक्सेप्शन इज अ प्रॉमिस, इट इज अ प्रॉमिस टू पे, एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट और प्रॉमिस टू पे में डिफरेंस है। ये थर्ड एक्सेप्शन प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस पे करने का, एक्नॉलेज नहीं कर रहा है वहां, वो अलग चीज है। तो आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्नॉलेजमेंट इज ऑफ नो यूज, वो फिक्स्ड है वहां पे याद रखना, बट इट विल बी आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो क्या होगा, दैट विल बी प्रॉमिस टू पे, दैट विल बी प्रॉमिस टू पे, तो वो थर्ड वाली एक्सेप्शन में आएगा। क्लियर? अब देखो थर्ड एक्सेप्शन में इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग, ये नहीं कि सिंपल प्रॉमिस कर दिया हमने और हो गया टाइम बार डेट, अब आप रिकवर कर लोगे, नहीं, इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग प्लस एंड यूज हुआ है ना, देखो यहां पे मैं आपको बता चुका हूं पहले, जहां पे एंड यूज होगा क्या होगा, प्लस राइटिंग में होना चाहिए एंड साइंड होना चाहिए। इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग प्लस साइंड होना चाहिए बाय द पर्सन, कौन साइन करेगा, टू बी चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेसिफिकली ऑथोराइज्ड, या तो वो बंदा जो क्रेडिटर है वो खुद से साइन कर रहा है, राइटिंग में दे रहा है, साइन कर रहा है, या फिर उसका एजेंट जिसको उसने ऑथराइज किया हुआ है, जनरली और स्पेसिफिकली उसको ऑथराइज किया हुआ है, वो साइन कर रहा है उसके बिहाफ पे, किस चीज के लिए, टू पे होली और इन पार्ट, पूरा का पूरा या फिर आधा, इन पार्ट अ डेट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स्ड पेमेंट बट फॉर द
लॉ ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सूट्स इन फॉर द लॉ ऑफ द लिमिटेशन ऑफ, यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन के कारण से वो अब उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता है, ठीक है। मैंने पैसा लेना है, मैं डेटर हूं, क्रेडिटर से पैसा लेना है, तो क्रेडिटर जो पैसा देने वाला है मेरे को राइटिंग में प्रॉमिस कर रहा है, उसको साइन कर रहा है, या उसका एजेंट कर रहा है। अंडरलाइन करो यहाँ पे एजेंट को भी, एग्जाम में आ जाएगा कि क्या उसको खुद को प्रॉमिस करना होता है या एजेंट भी कर सकता है, तो याद रखना एजेंट भी कर सकता है, ठीक है। एजेंट किस तरह से कर सकता है, चाहे उसको जनरली ऑथराइज किया, चाहे उसको स्पेसिफिकली ऑथराइज किया, दोनों चीजें या एक एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, तो कोई भी टाइम बार डेट राइटिंग में है, साइंड है, वो बंदा जो क्रेडिटर है वो खुद से प्रॉमिस कर रहा है, या फिर उसका एजेंट जो कि जनरली और स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड है वो उसके ऊपर साइन कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है किस चीज को पे करने की, पूरा का पूरा डेट पे करने की, होली और इन पार्ट, या कह रहा है कि मैं अभी आधा दे दूंगा तेरे को, तो वो थर्ड वाली एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। तो तीनों एक्सेप्शन देखो जो हेडिंग में दिया था कवर हो गई हमारे पास। इसके बाद आती है 25 में एक्सप्लेनेशन, चौथी एक्सेप्शन, मैंने यहाँ पे फोर्थ लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि जो चौथी एक्सेप्शन है एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पास वो चौथी एक्सेप्शन है। कैसे, नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन की बात करें 25 में जो अभी तक हमने पढ़ा, शैल अफेक्ट, शैल यूज हो रहा है, अफेक्ट यानी कि फर्क नहीं डालेगा, इस सेक्शन में जो भी कुछ दिया है दैट विल नॉट अफेक्ट किस चीज के ऊपर, द वैलिडिटी, किस चीज की वैलिडिटी, एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। वो कह रहा है किसी गिफ्ट को जब हमने करा है, गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं तो उसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ा ना होती है। फादर ने अपने बच्चे को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया, गाड़ी गिफ्ट कर दिया, कल को आप ये थोड़ा ना बोलोगे कंसिडरेशन नहीं था, वो तो एग्रीमेंट ही वर्ड था, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं गिफ्ट कर रहा हूँ आपको। तो डोनर और डोनी के बीच में जो गिफ्ट चल रहा है, डोनर होता है जो गिफ्ट देता है, डोनी जो उसको रिसीव करता है, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यानी कि गिफ्ट्स में कंसिडरेशन नहीं होता है, गिफ्ट्स विदाउट कंसिडरेशन ही वैलिड होते हैं, वो 25 में कवर नहीं होंगे, चौथी एक्सेप्शन होगी, मैंने लिख के रख लिया यहाँ पे गिफ्ट्स, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन टू, एक्सप्लेनेशन में कहता है एन एग्रीमेंट टू विच ध्यान से देखिए, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे कंसेंट, किसकी, प्रोमिसर की कंसेंट जो है वो फ्रीली गिवन थी, इज नॉट वॉइड मियरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे इनएडिक्वेट, कह रहे कंसेंट अगर मैंने फ्री दी हुई है, मेरी कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन, कंसेंट मेरी फ्री है, वहां पे कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, मैं अपना मोबाइल फोन आपको प्रॉमिस करता हूं 2 रुपए में सेल कर दूंगा फ्रीली, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, ठीक है। अब 2 रुपए तो यार मोबाइल फोन का दैट इज, और है भी आईफोन है, तो मोबाइल फोन का 2 रुपए कंसिडरेशन क्या होगा, इनएडिक्वेट। बट अगर वहां पे मेरी कंसेंट फ्रीली मैंने दिया हुआ है, तो वो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन जो होगा वो एग्रीमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, क्यों, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की कंसेंट फ्रीली गिवन है, इज नॉट void, वो void नहीं होगा कि उसका consideration inadequate है तो उसको void कर लो, but ध्यान से देखो, but the inadequacy of the consideration, जो inadequacy of the consideration है ना, may be taken into account by the court in determining, court किस चीज के लिए उसको determine करने के लिए account में ले सकता है, the question, अगर court के सामने ये question आता है whether the कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वॉज फ्रीली गिवन, अगर कल को प्रोमिसर कहता ना नहीं 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 मैंने तो कंसेंट ही फ्री नहीं दिया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर, तो फ्रॉड से ले लिया, धोखे से ले लिया, मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, आप उस इनएडिक्वेसी को तब प्रूफ कर सकते हो वहां पे, अगर प्रोमिसर की कंसेंट जो है दैट वॉज नॉट फ्रीली गिवन, अगर वो फ्रीली गिवन नहीं है यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज्ड है, उस चीज को प्रूफ करने के लिए तो आप इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन का ग्राउंड ले सकते हो, अदरवाइज अगर वो कहता है कि नहीं मेरी कंसेंट फ्री थी, तो आप ये नहीं कहोगे अरे 2 रुपए का कंसिडरेशन मोबाइल फोन सेल कर दिया, नहीं नहीं ये तो नहीं कंसिडरेशन माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, नहीं, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट अ ग्राउंड, याद रखना वहां पे वैलिड होगा कंसिडरेशन, चाहे भले ही 1 रुपया दो, ठीक है, वो वैलिड होगा बिल्कुल, सिर्फ वो आपकी फ्री कंसेंट नहीं है वहां पे उस चीज को प्रूफ करने के लिए तो आप ग्राउंड ले सकते हो, अदरवाइज नहीं।
तो ये एक्सेप्शन नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन वैसे उसने दिया हुआ है। अब एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 25 को एक्सप्लेन व्हाट इज नडम पैक्टम, आपको बताया था तो 25 तो लिखना है, बिलीव मी बच्चे इतना ही लिख के खत्म कर देंगे उसको। देखो मैंने एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, अदर एक्सेप्शन, ये आपको कहां से पता चलेगी, ये आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, कोई जजमेंट पढ़ रहे हो, वहां से पता चलेगी। बाकियों ने देखो एग्जाम में जब उनको लिखने को आ रहा है सिंपल सिंपल लिख देंगे 25, मैं गारंटी देता हूँ आपने क्या लिखा है, आपने इसका ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया, जजमेंट भी आपने उसमें डाल दिया, मैगजीन लिखा था वो भी आपने डाल दिया, आपने इंटरलिंक भी कर दिया दूसरे सेक्शन से। जो एक्सेप्शन उसने दिया वो तो लिखी लिखी, उसके अलावा भी एक्सेप्शन लिख दिया, इससे बेस्ट क्या लिख सकते हो आप एग्जाम में, जो डिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो सेक्शन 25 आता है, एज इट इज लिखाना जो आपको समझाया। अब अदर एक्सेप्शन फास्ट फास्ट बताता हूँ, देखो ये इंटरलिंक ही हो रहा है एक तरह से, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं वहां पे सेक्शन 185 पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एजेंसी दिया हुआ है वहां पे, डिटेल में नहीं जा रहा मैं, सिर्फ अभी समझा रहा हूं आपको कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लिखा हुआ है 185 में पढ़ लेना आप वहां पे। गारंटी अगर आप किसी को दे रहे हो अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 127 में लिखा हुआ है, कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती है, पढ़ लेना वहां पे। रिमिशन, आपने किसी से पैसा लेना था, वेव ऑफ कर दिया, रिमिट कर दिया थोड़ा सा, 1000 रुपया लेना है आपने बोला 500 ही दे, चल ठीक है काफी है, तो वो रिमिशन तो किया ना आपने, कहाँ दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 63 में लिया हुआ है, ठीक है 3 में जो दिया रिमिशन उसके लिए भी जो आप उसको वेव ऑफ कर रहे हो या जो नया प्रॉमिस उससे आ रहा है, ठीक है आई एम जो तूने डिस्चार्ज करना था अपना ऑब्लिगेशन मैं 500 में मान गया, 1000 की जरूरत नहीं है, तो नया ही तो प्रॉमिस आ रहा है ना वहां पे, तो जो नया प्रॉमिस है उसके लिए आपको कोई नया कंसीडरेशन लाने की जरूरत नहीं है, तो रिमिशन के कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ना 63 वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे भी कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लास्ट एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल, इसका सेक्शन नहीं है क्योंकि ये तो डॉक्ट्राइन है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल क्या होता है, प्रॉमिसरी एस्टॉपल का मतलब होता है मैंने किसी को प्रॉमिस किया, मेरे प्रॉमिस के ऊपर रिलाई करके जो सामने वाला बंदा है वो एक्ट करता है। मैं किसी को प्रॉमिस कर रहा हूं कि यार ऐसा करो आप ये नया बिजनेस स्टार्ट करो, मैं इसमें आपकी इस तरह से हेल्प करूंगा, ये चीज करूंगा, ऐसे फाइनेंशियल हेल्प करूंगा या ये करूंगा, उसने एफर्ट स्टार्ट कर दिया और उसने वो प्रमाइसिस रेंट पे ले लिया, कुछ कर लिया, उसने एक्ट स्टार्ट कर दिया किस चीज के ऊपर रिलाई करके, मेरे प्रॉमिस के ऊपर रिलाई करके। तो अगर उसने एक्ट स्टार्ट कर दिया, मेरे लिए उस समय कोई कंसिडरेशन नहीं था, देखो मैंने तो प्रॉमिस किया उससे सिर्फ कि मैं ऐसा करूंगा, बट नाउ आई एम स्टॉप्ड, अब प्रॉमिसरी एस्टॉपल लग जाएगा बिकॉज मेरे प्रॉमिस पे रिलाई करके अगर सामने वाला कुछ एक्ट कर देता है देन साथ जो पूरा जिसने प्रॉमिस किया होता है वो स्टॉप हो जाता है, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। क्लियर, एक बार ही देखो सेक्शन 25 क्या कहता था, पहले सेक्शन 10 क्या कहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है, कंसीडरेशन। कहां डिफाइंड है, 2D में डिफाइंड है, कंसीडरेशन का होना जरूरी है। सेक्शन 25 क्या कहता है, कंसीडरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वॉइड एज एन इश्यू हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही खत्म है ही नहीं कुछ वो एग्रीमेंट। बट इस रूल की कुछ एक्सेप्शन है, बिल्कुल है, कितनी एक्सेप्शन है, बेयर एक्ट में 4 दी हुई है पर टोटल कितनी है, 8 है। 4 कौन कौन सी है बेयर एक्ट में, पहली वाली हमने पढ़ी राइटिंग और रजिस्टर्ड वाली, दूसरी पढ़ी पास्ट प्रॉमिस वाली, तीसरी पढ़ी हमने टाइम बार डेट वाली, चौथी पढ़ी हमने गिफ्ट वाली, चार तो यहाँ पे दी हुई है ना, उसके अलावा क्या पढ़ी, अदर एक्सेप्शंस, कौन कौन सी, एजेंसी, गारंटी, रिमिशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। साथ में आप उसके बाकी की जो चीजें हैं, मैगजीम हो गया या उसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नेकेड प्रॉमिस या नडम पैक्टम, वो सारी चीजें जब आप लिखोगे तो इस तरह से आप बेस्ट आंसर को फॉर्म कर लोगे। देखो अब आप बताओ, ध्यान से सोचना इस चीज को, मैंने हर चीज बेयर एक्ट के ऊपर लिख के रख लिया, आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत है रिवाइज करने की, सब कुछ तो लिखा है मेरे बेयर एक्ट के ऊपर, सेक्शन 25 अगर आपके पास आ जाता है आप एक एक चीज वहां पे एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए जब भी आप इसको रिवाइज करोगे, चाहे प्रीलिम्स में कर रहे हो चाहे मेंस में कर रहे हो, आपको बेयर एक्ट से ही सब कुछ समझ आएगा और इस तरह से बेयर एक्ट पढ़ने की आदत हो जाएगी आपको। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, कोई डाउट होगा तो कॉमेंट्स में लिख देना, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं तो वो लिख देना, मैं कोशिश करूंगा उसमें बनाने की। थैंक यू वेरी मच।